बांदा में ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के तत्वाधान में फोटोग्राफर सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कश्यप एवं उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता मौजूद रहीं। वहीं बांदा चित्रकूट मंडल के समस्त फोटोग्राफर सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। बांदा शहर के तुलसी स्वरूप होटल पर ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन के तत्वाधान में फोटोग्राफर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि में राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता रहीं। इस सम्मेलन पर फोटोग्राफरों को कई प्रकार की जानकारी दी गई। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कश्यप ने बताया कि फोटोग्राफी एक कला है, लेकिन फोटोग्राफरों का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। वहीं फोटोग्राफर को सम्मान नहीं किया जाता, जबकि फोटोग्राफर वो है कि बीता हुआ कल याद दिला दे। इसी को लेकर फोटोग्राफर फाउंडेशन में सभी फोटोग्राफरों को जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको सम्मान मिले और उनकी सम्मान की लड़ाई लड़े। इसी को देखकर आज यहां बांदा पर फोटोग्राफर सम्मेलन व सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव बांदा जिला अध्यक्ष राजू त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष नीतेश मेहता, प्रदेश प्रभारी उत्तम कुमार, जिला अध्यक्ष लखनऊ निखिल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राजेश निषाद, मंडल महामंत्री धीरेन्द्र कुमार, जितेंद्र श्रीवास जीतू, इसके अलावा चित्रकूट मंडल के सैकड़ों फोटोग्राफर एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मान समारोह जी क्या है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन का मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ और फोटोग्राफरों की समस्याओं को देखते हुए मुझको बांदा आना पड़ा और यहाँ का सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। इसमें जो फोटोग्राफर दुनिया में नहीं है उनके परिवार को सम्मान दिया गया और उनको याद किया गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और तमाम पुराने जितने फोटोग्राफर थे, वरिष्ठ फोटोग्राफर उनको कह लीजिए, उनका आना बहुत अच्छा था, उनकी आप बीती सुनने को मिली और उनको भी सम्मान दिया गया। ये अनुभव हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और इससे एक प्रेरणा मुझे मिली और उस प्रेरणा को मैं हर जगह ऑल इंडिया फोटोग्राफर फाउंडेशन में शेयर जरूर करना चाहूँगा। सम्मान था और सम्मेलन था जी, इसमें आप आए क्या? इसमें आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राष्ट्रीय फोटोग्राफर फाउंडेशन है जिनके द्वारा ये फोटोग्राफर सम्मेलन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी संगठन नहीं था जो फोटोग्राफर एक सूत्र में बन सके और ये इन्होंने यहाँ बांदा में आकर जिस तरीके से माला पिरोने का काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इस फाउंडेशन को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली से आके यहाँ पर संगठन बनाया है। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। मऊरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहाँ है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स, यहाँ मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आए, नारायण टॉकीज के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर, कॉन्टैक्ट 9936107730। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस बिहाइंड होटल सिप पैलेस, मोरानीपुर।